नमस्कार, वी न्यूज लाइव आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ संध्या। इस वक्त मैं सेक्टर 51 में मौजूद हूं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये ताऊ की दुकान है। एक छोटा सा स्टॉल है जहां पर आप देख सकते हैं पूरी दुकान जलकर खाक हो गई है। कुछ ही देर पहले उन्हें पता भी नहीं था कि ये दुकान धू धू कर जल गई है। पूरा आप सामान देख सकते हैं, काफ़ी छोटी सी दुकान थी और यहाँ पर पास में ही जो आर्टिमिस हॉस्पिटल है, काफ़ी जाना भी जाता है। जो भी वहाँ पर आता था तो अक्सर ये ताऊ के नाम से भी फेमस है और ताऊ की दुकान से इन्हें जाना जाता है। उनके स्वभाव जिस तरीके से है, अक्सर यहाँ पर लोग चाय पीने के लिए सामान खरीदने के लिए आते थे, लेकिन अभी देखिए तस्वीरें क्या हैं। और एक तरफ दिवाली का त्यौहार भी है जहाँ पर लोग अपनी ख़रीदारी से अपने व्यापार को बढ़ाते हैं, लेकिन सोचिए कि उनकी एक छोटी सी दुकान जलकर खाक हो गई है। सामान पूरी तरीके से जल चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारा सामान जलकर खाक हुआ है। हालांकि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आग किन कारणों से लगी है, लेकिन जो जानकारी के हिसाब से बातें निकल कर सामने आई हैं, ताऊ सो रहे थे, अचानक से दुकान पूरी तरीके से जल गई। उनसे भी जानेंगे कि आखिर कैसे ये पूरा सामान जल गया। ताऊ क्या हुआ था, ये कैसे जला? अरे हमको तो कोई पता नहीं था, हम दुकान बंद करके अब सो गए अंदर में। अब कैसे हो, क्या हो गया पता नहीं। कितना नुकसान हुआ है आपका? नुकसान तो बहुत हो गया, 50,000 से ऊपर का है। सारे दुकान ख़त्म हो गया, माल भी बहुत था ताऊ के पास, नुकसान हो गया। हम तो कितने बजे के वक्त हुआ ये? अभी तो हुआ, अभी अभी आप तो अक्सर पूरे दिन से रात तक यहाँ पर दुकान लगाते थे, अचानक से ऐसे कैसे हो गया? आप सोने के लिए गए थे? हम सो रहे थे इसी अंदर में। अंदर ही सो रहे थे, फिर अचानक से कैसे, कुछ पता चल पाया? कुछ नहीं पता चल पाया, वो आकर के जगाया, जो ऐसी ऐसी बात हो गया जब जा करके हम। इस वक्त हमारे दर्शक भी देख रहे हैं ताऊ आपको, मैं चाहूँगी कुछ गुजारिश आप हमारे दर्शकों से करना चाहें। वो आपका मर्जी है। कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार के। बिहार के हैं। कितने साल से यहाँ पर दुकान लगा? क्या बताया, 13 साल हो गया। 13 साल हो गया है, और 13 साल से मतलब इस तरीके की कभी नहीं हुआ, अचानक से आज? तो कभी नहीं ऐसे हुआ, अचानक आज ही हुआ है। कोई चावरी चपाटी कुछ भी नहीं हुआ। आसपास के लोगों से भी मैं बात करने की कोशिश करूंगी। भैया आप लोग अक्सर यहाँ पर आते रहते हैं, कैसे ये हादसा हुआ? क्योंकि देखो चाहे चाय पीने अभी गाड़ी लगाई थी यहाँ पर, तो देखा हादसा हो गया, मेरे को तो बहुत दुख हुआ। हम तो अक्सर आते हैं यहाँ पर चाय पीने, जब भी आते हैं इस मॉल में तो ताऊ की चाय पी के जाते हैं। तो अब देखो कैसे भरपाई होती है इसकी, कुछ सहायता करेंगे सभी मिलजुल के। कहना चाहेंगे आप दर्शकों? हम तो ये कहना चाहेंगे जी, गरीब है, सभी मिलजुल कर सहायता करके दोबारा से रोज़गार खड़ा करें। कोविड का टाइम चल रहा है, सभी को वैसे ही रोज़गार नहीं है और कमाई का कोई जरिया नहीं है इनका। अगर कुछ हो सकता है किसी से हेल्प तो कर सकता है। बिल्कुल, देखिए आपने सुना कि हम भी आपसे ये गुजारिश करेंगे कि देखिए कि ताऊ की पूरी दुकान जलकर खाक हो गई, अचानक सो गए थे, लेकिन उनको ये भी नहीं पता कि किस वजह से ये आग लगी है। उन्होंने जैसे बताया कि मोटा माटी 50,000 का नुकसान उनका हुआ है और 13 साल से वो यहाँ पर दुकान चलाते थे। और उनका जो स्वभाव है, क्योंकि अक्सर अमूमन हम लोग भी यहाँ पर उनकी दुकान पर चाय पीने के लिए आते थे, और अचानक से आज जो पूरी दुकान जल गई है, काफ़ी नुकसान उनको हुआ है। दिवाली का त्यौहार भी है और एक तरफ कोरोना की मार भी है, जिससे लोग पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोज़गार नहीं है। ऐसे में उनकी दुकान और उनके स्वभाव की वजह से लोगों की भीड़ यहाँ पर अक्सर देखने को मिलती थी, लेकिन आज देख सकते हैं कि खाने के सामान के साथ साथ जितनी भी पानी की बॉटलें या चाय के जितने भी बर्तन हैं वो जल चुके हैं। भैया मैं आपसे जानना चाहूँगी, अचानक क्या हुआ ये, किस मैं तो नहीं खड़े था, थोड़ी चाय पीना आया था तो देखा था कि इसमें आग लगी है, तो ताऊ को उठाया, पता नहीं किस तरह क्या हुआ। ठीक है, शॉर्ट सर्किट मान लो जो भी है, वो तो कुछ नहीं पता लगा अब तक। अभी कोई जानकारी सामने? कोई जानकारी नहीं है। ठीक है जी, किस तरीके की गुजारिश करेंगे? गुजारिश बस थोड़ी कोई हेल्प करता हो कि हम तो ही बोलते हैं, ठीक है, गरीब आदमी बेचारा बाहर से काम करने के लिए आया। ठीक है, हाँ बस इतना कहना चाहूँगा जी। ठीक, वाकई में देखिए कि किस तरीके से सारा सामान जल गया है, और जैसे लोग जो यहाँ पर अक्सर चाय पीने के लिए आते हैं, वो भी गुजारिश कर रहे हैं कि अगर जो भी इस वक्त
ये लाइव देख रहा है उनसे भी गुजारिश है, हमारी पूरी टीम की तरफ से भी वी न्यूज़ आपसे गुजारिश करता है कि आप की जो भी इच्छा होगी वो भरपाई आप कर सकते हैं, या अपना जितना भी योगदान हो वो आप यहाँ पर आकर ताऊ के समक्ष रख सकते हैं। बाकी में देखिए कि एक तरफ कोरोना काल भी है, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, त्योहारी सीज़न भी है, लोग अक्सर ये भी सोचते हैं कि उनका ज़्यादा लाभ उन्हें मिले, और दिवाली के सीज़न में भी यही उम्मीद के साथ लोग अपना व्यापार चलाते हैं। लेकिन एक छोटी सी दुकान पर इस तरीके से आग लग जाना, राहुल मैं तुमसे जानना चाहूँगी, अचानक से ये आग लग गई, हम लोग भी अक्सर ऑफिस के जितने भी कलीग हैं यहाँ पर आते थे, और आज उनके चेहरे पे भी मायूसी है, आँखों में आंसू है, क्या कहेंगे? ताऊ के पास हम डेली आते थे यहाँ चाय पीने, तो हम मतलब बड़े मेहनती अकेले काम करते थे ताऊ, और आज भी हम चाय पीने आए थे और देखा यहाँ पे आग लग गई, बड़ा दुख हुआ देख के, ताऊ के आँखों में आंसू है, जो भी हमसे बन पड़ेगा हम वो ज़रूर उनकी मदद करेंगे। आप क्या कहेंगे दर्शकों को कि किस तरीके से उनकी मदद करें? दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ताऊ की मदद करें, जो भी आपसे बन सके यहाँ पे इनकी मदद करें आके, बहुत नुकसान हो चुका है ताऊ का, बहुत मेहनती थे, बहुत नेक दिल इंसान है ताऊ, बहुत ही मतलब देख के बहुत दुख हो रहा है कि आज यहाँ पे ये सब हो गया, ताऊ के लिए बहुत दुख है, आँखों में उनके आंसू है, बहुत दुख हो रहा है। बाकी में देखिए कि अभी कुछ टाइम पहले भी ये यहाँ पर बिहार से आए हैं, 13 साल से ये दुकान लगाते हैं, इनकी कुछ वक्त पहले पत्नी की भी डेथ हो गई थी, लेकिन आज इस तरीके की घटना, उनका एक हादसा उनके साथ हुआ है। हम चाहेंगे कि गुजारिश करूंगी मैं, जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, सेक्टर 51 में ताऊ की दुकान से फेमस वो यहाँ पर दुकान लगाते थे, लेकिन आज जो हादसा उनके साथ हुआ है, जो भी भरपाई हो या जिसकी किसी भी तरीके से कोई भी मदद अगर आप लोग करना चाहें तो आप यहाँ पर पहुँचें। प्रियन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज ये इतना बड़ा नुकसान ताऊ को हुआ है, क्या करेंगे इसको, लोग कैसे देखेंगे? बस दिवाली का मौका था और ताऊ बेचारे अकेले काम करते हैं यहाँ पे, और सुबह शाम बस वो चाय पिलाते हैं लोगों को, राही जितने भी आते रहते हैं ऑटो वाले, और जितने भी आर्टिमिस में यहाँ पे पास में आर्टिमिस हॉस्पिटल है गुरुग्राम में सेक्टर 51 में, और हमारे ठीक पीछे है सेक्टर 51 का मॉल 51, यहाँ बीच में ताऊ की दुकान है जो बहुत बढ़िया चाय पिलाते थे लोगों को और आगे भी पिलाएंगे, और बस अभी के लिए उनकी दुकान थोड़ी सी जल चुकी है जिसकी वजह से वो बहुत दुखी हैं। मैं चाहूँगा जितने भी लोग हमें देख रहे हैं जो यहाँ पे आ सकते हैं, अपना कुछ भी अमाउंट, वो 10 रुपये हो, 20 रुपये हो, 1000 रुपये हो, अपने श्रद्धानुसार यहाँ पे उनको कॉन्ट्रीब्यूट करें, जिससे उनका जो नुकसान हुआ है जो वो खुद नहीं बेयर कर सकते उनकी हेल्प हम कर सकें, बस यही कहना चाहूँगा। बिल्कुल, देखिए कि हम यही चाहेंगे कि आप जितने भी इस वक्त हमें देख पा रहे हैं वो यहाँ पर आए, जो भी कंट्रीब्यूशन आपकी तरफ से जो भी आपको लगे वो यहाँ पर उनकी हेल्प करें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।